बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस वीडियो में हम मश्क नंबर 1.1 करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 1.1। ये जो पेपर्स बुक है उर्दू की, उसमें ये पेज 7 पे है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसमें उन्होंने 4 पार्ट्स दिए हैं और हर एक के बारे में कहा है कि वो सेट्स हैं, और कहते हैं कि हर सेट के कम से कम दो, एटलीस्ट टू, कम से कम दो वाजिब तहती सेट मालूम करें, यानी कि प्रॉपर सबसेट मालूम करें, वाजिब तहती सेट। तो कम से कम दो मालूम करने हैं। दो तो मालूम करने बहुत ही आसान है। हम ज़रा अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसा करते हैं कि सारे ही मालूम कर लेते हैं जो इसके पॉसिबल है, ठीक है, और फिर उनमें जो गैर वाजिब होंगे उन्हें काट देंगे, वाजिब रहने देंगे। तो 1 0 हो गया, 0 1 2, फिर 0 1 0 2, और फिर 1 2, फिर 0 1 2। आप देखें ये कट जाएगा, ये गैर वाजिब है, बाकी सारे के सारे इसके वाजिब तहती सेट हैं। वाजिब तहती सेट का मतलब ये होता है, आपको याद होगा कि सबसेट तो है, लेकिन जिस चीज़ का ये सबसेट है उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें ना हो, तो उसकी ये डेफिनेशन मुताबिक सारे के सारे वाजिब तहती सेट हैं। अगला वाला पार्ट है 1 2 3, तो इसमें भी सारे के सारे मालूम कर लेते हैं। ये हो गया, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 1 2 1 3, फिर 2 3, और आखिर में 1 2 3। इसको काट दें, बाकी सारे वाजिब हैं। तीसरा वाला है ए और बी, ये तो बहुत ही आसान है। एक खाली सेट आ गया, एक ए आ गया, एक बी आ गया, और एक 33 सेट ए बी आता है, इसको छोड़ दें, बाकी सारे वाजिब हैं। चौथा वाला और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये ए बी और सी ये सेट है। तो खाली सेट ए, देख आप देख रहे हैं ना कितना आसान है ये, बी सी ए बी ए सी बी सी और ए बी सी। अच्छा जी, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसका वाजिब तहती सेट नहीं होता? एनी सेट दैट डज नॉट हैव प्रॉपर सबसेट, कौन सा? क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका वाजिब तहती सेट नहीं होता? ये बुक में उन्होंने सीधा साधा आंसर जब एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वाजिब तहती सेट और गैर वाजिब, उसमें बताया हुआ है। तो वो है खाली सेट, क्योंकि खाली सेट का तहती सेट खाली ही होगा, सेट ही होगा। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है ना, ये और ये, तो ये प्रॉपर तो ना ना हो, क्योंकि प्रॉपर के लिए तो ये है ना कि जिसका सबसेट हो उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सबसेट में ना हो, लेकिन ये तो दोनों बराबर चीज़ें हैं, लिहाजा खाली सेट इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा सेट जिसका वाजिब तहती सेट एक ही हो, वाजिब तहती सेट एक हो, तो वो कोई भी यक रुकनी, भी बुक में बताया हुआ है, कोई भी यक रुकनी सेट ए लिख ले, कोई और सेट ले लें, बी लिख लें, 100 लिख लें, जो मर्जी कर लें, यक रुकनी सेट,
यानी कि सिंगल एलिमेंट सेट, कोई भी सिंगल एलिमेंट सेट लें उसका वाजिब तहती सेट सिर्फ एक ही होगा, और वो क्या होगा? खाली सेट। अच्छा जी, क्योंकि अगर आप, जैसे मैं इसकी मिसाल लेता हूँ, इसके सबसेट क्या हैं? एक खाली सेट और एक ए है ना, तो वाजिब तहती सेट ये तो नहीं हो सकता, तो यही है ना। तो यक रुकनी सेट का एक ही वाजिब तहती सेट होता है और वो खाली सेट होता। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। उसमें ये के सेट्स दिए हुए, जैसे ए 1 है, बी 3 और 4 है, सी 1, 2, 3, डी जो है वो 1, 2 और ई जो है वो 1, 2, 4। अब बताएं कि कौन से बयान दुरुस्त है, कौन से गलत हैं। पहला वाला बयान है, स्टेटमेंट है कि डी सबसेट है सी का। ये डी है सबसेट है सी का, इसमें क्या है 1, 2, इसमें 1, 2, 3 है, तो बिल्कुल डी सी का सबसेट है, यानी कि ठीक बात है। अगली है बी इक्वल नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है ई के। बी में 3, 4 है, ई में 1, 2, 4 है, बिल्कुल सही बात है। एक भी एलिमेंट ओवरलैप नहीं करता, एक भी एलिमेंट दोनों में नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ सेट है, ठीक है। ए सबसेट है डी का, ए में 1 है, डी में 1, 2 है, बिल्कुल ठीक बात है। डी सबसेट है ई का, डी में क्या है 1, 2, ई में क्या है 1, 2, 4, तो ये 1, 2 इसके अंदर आ रहा है ना, पूरा पूरा का पूरा सेट आ रहा है, ये बात ठीक है। पांचवा वाला क्या है, बी सबसेट है डी का, बी में 3, 4 है, ई में 1, 2, 4 है, तो 4 तो इसमें आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा, लिहाजा ये स्टेटमेंट गलत है। आखिरी वाली स्टेटमेंट है सी सबसेट है डी का, सी 1, 2, 3 है, डी 1, 2 है, तो सी सारा का सारा डी में तो नहीं है बल्कि डी तो छोटा है, लिहाजा ये भी स्टेटमेंट गलत है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखें इस सेट के अंदर, ये ना बाहर वाली ब्रैकेट से सेट कंसीडर करते हैं ना, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक ये और एक ये, दूसरा एलिमेंट ये है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब सेट आपको बताया था ना कि बाहर वाली ब्रैकेट से लेते हैं, तो उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि ये वाला, तो ये एक एलिमेंट वाला, तो ये फ़र्क है। ये मत समझेगा कि ये दो एलिमेंट्स हैं, नहीं, एलिमेंट ये बनेगा, ये बेसिकली सेट के अंदर एक सेट, ठीक है। आई नो कि उस दूसरे सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब ये बड़ा वाला सेट है ना, ये वाला, इसकी बात हो रही थी, इसके अंदर तो एक ही एलिमेंट है ना, वो ये वाला, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन भी इसी पेज पे कर लेते हैं कि कुछ सेट्स दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि पावर सेट्स की तादाद बताएं, सॉरी पावर सेट्स की अरकान की तादाद बताएं, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद बताएं, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, खाली सेट है। फार्मूला आपको याद है 2^0 वाला, सॉरी 2^k वाला, तो यहाँ पे k 0 है, एलिमेंट्स को कहते हैं ना, जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद k होती है, तो यहाँ तो खाली सेट है तो k 0 हो गया, तो 2^0 1 होता। अगला क्या है जी, 1, 2, 2^k कितना, 2, 1 और 2, दो एलिमेंट्स है ना, 4 हो गया। तीसरा वाला है 1, 2, 3, 4, 5, तो 2^k कितने हैं, 5 है ना एलिमेंट्स इसके, 5, ये 32 आ जाएगा।
आपको पता नहीं किस तरह 32 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगला वाला है ए बी सी, इसमें देखें 2 रेज टू पावर के क्या है, 2 रेज टू पावर 3 है ना, एलिमेंट्स काउंट करते हैं ना, 1 2 3, 8 आ गया। पांचवा वाला है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 रेज टू पावर के क्या होगा, 2 रेज टू पावर 7, तो ये 128 आता। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लें। इसमें ज़रा एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि अंदर लिखा क्या है, 1 2 लिखी है, 4 5 6 लिखा हुआ है, ए बी सी लिखी है, कोई गधा बनाया हुआ है, घोड़ा बनाया है, हाथी बनाया हुआ है, सांप बनाया हुआ है, लोमड़ी बनाई हुई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ ये है कि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या है। मिसाल के तौर पे एक सेट है, उसके अंदर मैंने ये एक बटन बना दिया जी, ठीक है, साथ मैंने ये वॉलेट बना दिया एक। अरकान कितने हैं, 2, तो 2 रेज टू पावर के बराबर है 2 रेज टू पावर 2, तो इसके पावर शर्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। पॉइंट मेरा अगेन बताने का ये था कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद को देखते हैं, ये नहीं देखते कि एलिमेंट्स कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, दो सेट्स हैं, कह रहे हैं कि इनके पावर सेट लिखें। तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, तो इसके तमाम सबसेट लिख लें। इनका सेट बना लें, तो ये सेट बन गया। ठीक है, अच्छा जी, अगला वाला है प्लस का साइन है इसके अंदर, माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और तकसीम यानी कि डिवीजन का साइन है। तो देखें 2 रेज टू पावर k, 2 रेज टू पावर 4, 16 इसके जो है ना वो सबसेट्स होंगे। एक तो खाली सेट हो गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, सबको पहले एक एक दफ़ा ख़ुद से ले लें। ठीक है, डिवीजन आ गए, ओके, प्लस को लें, साथ माइनस ले लें, प्लस को उसी तरह कांस्टेंट रखें, साथ मल्टीप्लिकेशन ले लें, प्लस को उसी तरह कांस्टेंट रखें, साथ डिवीजन ले लें, फिर उसी तरह प्लस का आपने कर लिया ना, एंड तक पहुंच गए, अब माइनस को लेना शुरू कर दें, माइनस लें तो साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लें, माइनस लें साथ डिवीजन का साइन ले लें, बाद में मल्टीप्लाई का साइन लें और साथ डिवीजन का साइन ले लें, अब एंड तक पहुंच गए। अब आप तीन तीन वाले बना लें, प्लस माइनस एक्स, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का साइन, प्लस माइनस डिवीजन का साइन। अच्छा, प्लस माइनस हमने दो कांस्टेंट रखे, आगे चलते हैं, माइनस एक्स और इनको कांस्टेंट कर लें और साथ ये डिवीजन का साइन ले लें। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अच्छा, अब आप आगे चलें, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को ये कांस्टेंट कर लें, साथ प्लस ले लें, ये आपका 15 आ गया, और आखिर में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, प्लस, यानी पूरा का पूरा मैंने सेट लिख दिया। तो इसका एक सेट बना दें, ये ना 16 आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आपका सबसेट बन गया। ठीक है, सॉरी पावर सेट बन गया इसका, सॉरी। और अगर मैं ये आपको, अगर फ़र्ज़ करें इसका नाम ए दिया हो तो इसको पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे, इसको अगर हम फ़र्ज़ करें बी कह लेते हैं तो ये पावर सेट ऑफ बी है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर ए सेट जो है वो 3 4 5 6 है और बी जो सेट है वो 1 2 7 8 ये,
तो साबित करें कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो ए यूनियन बी क्या होगा कि पहले ए के सारे लिख लें, ठीक है, बाद में बी के सारे लिख लें जो पहले ए में ना लिखे गए हों। इधर वन है ना, वन इधर लिखा गया नहीं, टू लिखा गया नहीं, सेवन लिखा गया नहीं, एट लिखा गया नहीं। इसको आप तरतीब से लिख लें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब बी यूनियन ए ले लें, पहले बी को लिख लें, उसके बाद ए लिखना शुरू कर दें। अगर वो पहले ना आया, उसके एलिमेंट्स थ्री नहीं ना आया पहले, लिख लें, फोर भी नहीं आया, फाइव भी नहीं आया, सिक्स भी नहीं आया, तो इनको तरतीब में लिख लें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। और ये देखें, एक ही चीज़ है ना, तो आपने साबित कर दिया कि यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। क्वेश्चन नंबर नाइन, उसमें यह है कि ए सेट है वन टू थ्री फोर फाइव एट और बी सेट है थ्री फोर सिक्स। तो ए इंटरसेक्शन बी को साबित करना है कि बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं, वन नहीं है ना निकल गया, टू नहीं है, थ्री है, इधर भी थ्री है, इधर भी थ्री है, फोर है, फोर है, ठीक है जी, थ्री और फोर। अब बी इंटरसेक्शन ए ले लें, थ्री इधर से है, इधर नहीं है, इधर है थ्री है, इधर भी थ्री है, फोर है इसमें, फोर इधर है, हाँ जी है, सिक्स है इधर है, सिक्स नहीं है, तो ये देखें बराबर आ गया ना, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर टेन, लिखा हुआ जी कि अगर ए सेट है टू थ्री फोर फाइव, बी सेट है थ्री फाइव एलेवन फिफ्टीन, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना। ए माइनस बी क्या होगा कि ए के ऐसे अरकान जो बी में ना हो, ठीक है, तो टू है ना, इधर है टू नहीं, थ्री इधर है थ्री नहीं लेंगे, फोर इधर है फोर नहीं है, फाइव इधर है, इधर भी है फाइव, उसको नहीं लेंगे, बस टू फोर ही है। ए माइनस बी मीन्स कि ए ऐसे अरकान ए के जो बी में ना हो। अब बी माइनस ए ले, क्या ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल होगा, अपना जवाब सोच के रखें जहन में, अभी हम करके देखते हैं। बी माइनस ए का मतलब है कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए। तो बी के एक एक करके एलिमेंट्स ले लें, अगर आपको वो ए में मिल जाएं तो इधर नहीं लिखेंगे, अगर ना मिलेंगे तो लिख लेंगे। थ्री इधर है छोड़ दें, फाइव इधर है, अलेवन इधर है नहीं लिख लें, फिफ्टीन इधर है नहीं लिख लें, तो आप ये देख लें ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे 1.2। अस्सलाम वालेकुम।